दोस्तों आज हम बनाएंगे अमृतसरी कुलचा। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर खाने में बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी साथ हम बनाएंगे एक चटपटी सी चटनी जिसके साथ ये कुलचे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है दोस्तों, यानी कि कुल मैंने 3 कटोरी लिया। आप चाहें तो पूरा मैदे या पूरा गेहूं के आटे से बना सकते हैं, पर इस तरीके से मिला के आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ मैंने बीच में जगह बना ली है और इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी खट्टा दही और 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध थोड़ा सा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 3-4 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया है घी, देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, 1 चम्मच डाला है। और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा आता है वो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से आटा हम लगा लेंगे। आटा हमें सॉफ्ट ही लगा के तैयार करना है। और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी डाल लीजिएगा, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर करके हमें मलना है अच्छे से, इससे हमारे जो कुलचे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। और थोड़ा सा लगा देंगे इसके ऊपर ऑयल और इसको थोड़ा सा मल के हम ढक्कन लगा के और ढक के हम रख देंगे। एक मैंने पॉलीथीन लगाया ताकि आटा हमारा सूखे नहीं, और इसको कम से कम आधा घंटे के लिए रखना है। तो अभी हम बनाएंगे कुलचों के साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी जो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को इस तरीके से सेकना है और मैंने थोड़ा सा चाकू से चीरा लगा दिया, तो साथ में 2 हरी मिर्चों को मैंने सेक लिया है। हरी मिर्चें पहले ही सीख जाती हैं दोस्तों। और टमाटरों को सेकने के बाद, इसको घुमा घुमा के सेकने के बाद मैंने छिलके उतार के इसकी जो ये बारीक गुद्दा है उसको मैंने मैश करके ले लिया है एक बॉल में। साथ में डालेंगे इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और मैंने यहाँ पर हरा प्याज लिया है। अगर हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं। और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा काला नमक डाला है आधा चम्मच। आधा चम्मच ही डाल देंगे इसमें साधारण नमक और थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें तो 1 नींबू का रस डाल सकते हैं, पर मैंने 1/2 नींबू का रस डाला है, इससे भी ये बढ़िया बन जाएगी। तो फ्रेंड इसको अच्छे से मैश करना है ताकि जो टमाटर था उसका पानी पूरा रिलीज हो जाए, जूस निकल जाए अच्छे से। और अगर आपका ये मटेरियल जो थोड़ा सूखा रहे तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें बिना पानी के ही इसका जूस अच्छे से निकाल लिया है। और इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। और इधर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, यहाँ पर मैंने 4-5 उबले हुए आलू लिए हैं दोस्तों। और इसमें कद्दूकस करके मैंने 1/2 कटोरी के करीब पनीर ले लिया है। 2 मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, 3-4 हरी मिर्चें डालूंगी यहाँ पे बारीक कटी हुई। आप जितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं मिर्ची वगैरह। थोड़ी अदरक कटी हुई डाल दी और हरा धनिया भी डालेंगे, हरे धनिए से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए डाल देंगे इसमें नींबू का रस, यहाँ पर मैं 1/2 नींबू का रस लूँगी। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें, 1.5 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। और साथ में डाला है मैंने अमचूर पाउडर दोस्तों 1/2 चम्मच और इसी साथ 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने कुटा हुआ यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें काला नमक और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें साधारण नमक। इनको अच्छे से मिक्स करके मसाला रेडी कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले को। और अगर नमक मिर्ची थोड़ा कम लगे तो आप चेक कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो ये मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। इधर आटा के भी हमारे टाइम हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है इसको रखे हुए। तो दोस्तों इसको फिर से थोड़ा सा हम मल लेते हैं, इसको थोड़ा फिर से स्ट्रेच करना है ताकि हमारे जो ये कुलचे हैं फूल के अच्छे से तैयार हों। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया दोस्तों, और अभी इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो इस तरीके से आपको लोइयाँ बना लेनी है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी लोइयाँ बनानी है क्योंकि कुलचे होते हैं वो थोड़े मोटे मोटे रहते हैं दोस्तों, और अंदर से ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, इस बात की आप टेंशन ना लें। तो थोड़ा सा डाल लेंगे ऑयल, अभी सब पेड़ों पर यानी कि जो लोइयाँ हमने बना के रखी हैं सब पे हम ऑयल लगा देंगे अच्छे से। तो सब पे मैंने ऑयल लगा लिया है, तो अभी हम बेलना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हल्का सा हमें बेलना है, आप चाहें तो हाथों से भी फैला सकते हैं। और इसमें डाल देंगे मसाला, मसाला इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग हमें नहीं करनी है दोस्तों, उतनी करनी है जो अच्छे से फील हो जाए। और इस तरीके से हमें दबा दबा के इसको बंद कर देना है, सील कर देना है पूरा कचौरी की तरह, जैसे कचौड़ी बनाते हैं। तो ये पेड़ा मैंने पूरा अच्छे से स्टफिंग कर ली है, और थोड़ी बहुत स्टफिंग निकल भी जाए तो घबराए नहीं, ये कुलचे हैं फिर भी फूलते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से बेलन से थोड़ा सा फैला लें इसको, और थोड़े ये मोटे मोटे रहते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते हैं। अभी लगा देंगे इसके ऊपर पानी, थोड़ा पानी लगाना है, और अभी इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी कलौंजी, कलौंजी से ये और ज़्यादा कुरकुरे लगेंगे। और हरा धनिया भी ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा। और फ्रेंड ये जो तरफ है इसी साइड से हम तवे पे डालेंगे इसको, गर्म तवे पे इसी साइड से डाल देंगे। पहले तवा अच्छे से गर्म कर लें, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। तो तवा मैंने गर्म करके इसको डाल दिया है, और अभी थोड़ी देर बाद पकने के बाद हम एक साइड से जब ये पक जाए थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम सेक लेंगे तवे को उल्टा करके। और मीडियम आंच रखनी है दोस्तों, आंच बहुत तेज़ ना रखें। और इसी तरीके से हम दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक ये करारा ना हो जाए। तो दोस्तों ये करारे ही अच्छे लगते हैं, तो इसी तरीके से आप सब लगा लें, और इसके ऊपर घी या बटर लगा लें अच्छे से। तो दोस्तों कुलचा हमारा बनके बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, और इस चटनी के साथ परोसिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब